सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक हंटर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप वीडियो देख सकें सबसे पहले। सैमसंग नोट 8, Xiaomi Mi Mix 2, iPhone 10, LG Q6, कई सारे ऐसे फोन्स जो लॉन्च हुए हैं बेजल स्क्रीन के साथ, जहां पे आपका एस्पेक्ट रेशियो मिलता है 18:9 का। काफी सारे हमने फोन्स देखे हैं 2017 में लॉन्च हुए हैं, तो अगर एक ऐसा फोन लॉन्च हुआ है जो काफी अच्छे डिस्प्ले के साथ आता है जिसका नाम है Honor 9i। तो Honor 9i लॉन्च कर दिया है Honor ने रिसेंटली, जो flipkart.com पे आप जाकर ले सकते हैं। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कैसे इसका कैमरा बेहतर है Moto G5s Plus से या फिर Xiaomi के Mi A1 से, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Honor 9i की, जो आपको फुल व्यू डिस्प्ले के साथ मिलता है, साथ में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, यानी कि आपको चार कैमरे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जान लेते हैं इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो Honor 9i में आपको कर्व एजेस देखने को मिल जाते हैं, जो आपको एक अच्छी ग्रिप करता है अगर आप होल्ड करते हैं इस डिवाइस को। साथ में आपको मैटल यूनिक बॉडी देखने को मिल जाती है, जिस कारण ये फोन एक प्रीमियम लगता है। और साथ में ही मैटी फिनिश दे रखी है, एट द बैक पैनल में आपको मैटी फिनिश देखने को मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए इसका डिजाइन, जो फुल व्यू डिस्प्ले है और साथ में जो बैक पैनल, काफी बेहतर यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले की, तो Honor 9i में आपको 5.9 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में रेजोल्यूशन मिलता है आपको 2160x1080 पिक्सल्स। चलिए बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। तो एक यहाँ पे आपको बड़ी फीचर्स देखने को मिल जाती है कि Honor 9i में आपको चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश के साथ, साथ में आपको सेकेंडरी कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल शूटर। वहीं बात करता हूँ अगर फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में भी आपको दो कैमरे यानी कि डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का शूटर। तो ये पहला डिवाइस नहीं है कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आया, इसमें आपको चार कैमरे मिलते हैं। तो इनफोकस जो फोन था उसने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था चार कैमरे सेटअप के साथ, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ फोन। तो कह सकते हैं Honor 9i एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में काफी कम फोन आपको देखने को मिल जाएंगे क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। तो उसका जो कैमरा है एक बेहतर पिक्चर क्लैरिटी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लैश मोड, अपर्चर मोड, पोर्ट्रेट मोड। तो अगर से कैमरे को आप राइट में स्वैप करते हैं तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रो फोटो मोड, HDR मोड। तो अगर मैं बात करूँ उसके रियर कैमरे की, तो रियर कैमरा आपको एक डिसेंट पिक्चर कैप्चर करके देता है, क्या वो आप डे लाइट में क्लिक कर रहे हो या फिर आप लो लाइटिंग में कर रहे हो। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर हम कंपेयर करते हैं Moto G5s Plus से या Mi A1 से, उनके जो कैमरे थे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे लो लाइटिंग में, और जो आप आर्टिफिशियल लाइट में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस तरीके की फोटो नहीं मिल पा रही थी। बट अगर हम कंपेयर करते हैं Honor 9i को, तो इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उन दोनों फोन से। तो ओवरऑल आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल जाएगी, क्या है वो लो लाइटिंग में आप क्लिक कर रहे हो या फिर आप डे लाइट में फोटो क्लिक कर रहे हो। तो ओवरऑल ये एक बेहतर कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में सेकेंडरी कैमरा जो मिलता है आपको, वो हेल्प करता है बोके इफेक्ट को क्रिएट करने में। तो ओवरऑल आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिलने वाली है Honor 9i के कैमरे से। बात कर लेते हैं इसके एसओसी के बारे में। तो Honor 9i में आपको मिल जाता है ऑक्टा कोर केरिन 659 प्रोसेसर, जो मिलता है आपको 4GB रैम का वेरिएंट है, जिसमें आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, बट आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक मेमोरी कार्ड के थ्रू। और साथ में आपको बैटरी मिलती है 3340mAh की। फोन सपोर्ट करता है हाइब्रिड ड्यूल सिम, यानी कि या तो आप दो सिम इंसर्ट कर सकते हैं एक साथ, या फिर एक सिम या एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कंपेयर करेंगे 659 की चिपसेट को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के किसी प्रोसेसर से, तो मैं यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकता हूँ स्नैपड्रैगन के 630 प्रोसेसर से, या फिर स्नैपड्रैगन का 625 जो Xiaomi के काफी सारे फोन्स में देखा है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी बेहतर आपको मिल जाती है अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलता है 4GB रैम का, जिससे आपका जो मल्टीटास्किंग है, जो आप यूटिलाइजेशन आपका हो रहा है फोन में, तो वो एक तरह का स्मूथ बना देता है इस 4GB रैम के थ्रू। और यहाँ पे आपको जो चिपसेट मिलता है क्रीन का 659। अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो गेमिंग परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसके चिपसेट का। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हाई ग्राफिक्स जो गेम्स हैं वो आप खेल पाएंगे। और Honor 9i में आपको मिल जाता है नूगट, और साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है रियर कैमरे के नीचे। तो बात करूँ उस फोन के बारे में, तो एक आपको अच्छी स्पेक्स के साथ एक मिड रेंज फोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट में Honor 9 काफी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपको मिल जाता है, साथ में जो उसका स्लीक डिजाइन है और साथ में जो फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिलती है, ये फोन को और बेहतर बना देता है। और साथ में आपको चार कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव कर देता है।
तो ये फोन सीधा टक्कर देगा मोटो G5S प्लस को, वीवो V7 प्लस को, Xiaomi के Mi A1 को। तो अगर मैं बात करूँ उन दोनों फोन्स के बारे में G5S प्लस को या फिर Xiaomi के Mi A1 से, तो इन दोनों के कैमरे अगर मैं कंपेयर करता हूँ Honor 9i से, तो Honor 9i का कैमरा काफ़ी बेहतर है इन दोनों फोन से। तो डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा फ़ोन आप लेना चाहते हैं। तो ये था Honor 9i के बारे में रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।